स्वागत तो है आपका हमारे इस पोल्ट्री चैनल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं देसी अंडे और फार्मी अंडे के बारे में देसी अंडे और फार्मी अंडे में क्या ज़्यादा फ़र्क है इसका एक तो दिखने में फ़र्क आप सामने ही देख रहे हैं क्या फ़र्क है वो पीले रंग का होता है वो वाइट कलर का होता है ठीक है और आ, आगे आपको बताएंगे इसे छीलने के बाद क्या फ़र्क है एक और फ़र्क है इसमें और दो और फ़र्क हैं जो ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों में से आ, पहला फ़र्क तो आपने देख ही लिया कि ऊपर से अंडे की शैल कैसा होता है और दूसरे अंडे का शैल कैसा होता है तो आगे हम आपको छिलके बताएंगे और एक बात और आप जितने पुराने से पुराना अंडा लें उबालने में उतनी ही आसानी होगी छिलका बहुत अच्छी तरह से उतरेगा वरना अगर आप ताज़ा अंडा लें जैसे कि आज ही मुर्गी ने आ, है अंडा दिया है। ले किया है वो अंडा ना लें इससे आपको दिक्कत हो सकती है छीलने में आपका आधा अंडा ही छिलके भी खराब हो जाएगा जैसा कि आपने पहले अंडे में जैसा कि ये हमने ये फर्स्ट अंडा फर्स्ट ए पहले दिन का ही अंडा ले लिया था देसी मुर्गी का अंडा देसी मुर्गी का <coughs> तो आपको ये आगे बताते हैं इनमें क्या फर्क है और दूसरे में क्या फर्क है ये वाइट मुर्गी का वो जो मर्जी ले ले देसी मुर्गी आपको पता ही होगा इसके टेस्ट में तो ज्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको बस फर्क है तो इसकी एनर्जी और प्रोटीन वगैरह में थोड़ा सा फर्क होगा वो भी इतना ज्यादा नहीं ये वाइट मुर्गी के थोड़ा सा कम होगा और दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये देखिए हल्का सा पीलापन दिखाई दे रहा है सर्दी में जो हल्का सा पीलापन दिखाई रहा है, दे रहा है आपको वही है सो so बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी ना लगी तो डिसलाइक करें चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा सो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद